तो व्यूवर्स, यहाँ पे नईम कुरैशी साहब ने बताया है कि अभी अगर कोई रमज़ान में ख़रीदता है, जैसे कि आज 10वां रोज़ा है, तो अगर कोई आके ख़रीदारी करता है 10वें रोज़े से लेकर उन्हें बकरीद तक की गारंटी दी है कि कोई भी अगर यहाँ से नईम कुरैशी साहब के पास से जानवर लेके जाता है और अगर जानवर बीमार होता है या कोई बात है तो नईम कुरैशी साहब जो है उसके पूरे ज़िम्मेदार हैं, फुल गारंटी दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं, पूरे ज़िम्मेदार हैं, वो जानवर वापसी बांध जाए, अपने पैसे ले जाए बेफिक्र। मुल्तान में जो है वो फ्रॉड ये चल रहा है कि वहाँ पे पानी वाला जानवर दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ीब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। एक बार फिर से आप व्यूअर्स को विज़िट करवाने जा रहे हैं मलीर 15 नंबर झोंकियाँ मंडी में। यहाँ पर आज देखेंगे कि आज कौन कौन से जानवर मौजूद हैं, कौन कौन सी नस्लों के जानवर यहाँ पर आए हैं मंडी के अंदर और उनकी क्या कीमत है। आप लोग को बता दूं कि मंडी आज हमें इस वक्त 4 बजे का टाइम है और मंडी हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कट्टू माल वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो कट्टू माल के भी रेट लेंगे इंशाल्लाह और यहाँ पर जो मंडी में अच्छे जानवर आते हैं उनके भी रेट लेंगे, आप तक प्राइस पहुँचाएँगे। और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट में सवाल कर रहे थे कि भाई क्या लिम्पीज स्किन डिजीज़ ख़त्म हो चुकी है नहीं, तो आप लोग को बता दूँ कि लिम्पीज स्किन जो बाड़ों में अभी भी मौजूद हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काबू पा लिया गया किसी हद तक। तो इसी वजह से मंडी के अंदर यहाँ पे हमें मुतासर और बीमार जानवर नहीं नज़र आ रहे हैं और जो भी जानवर आप लोग को दिखाए थे जो बीमार थे वो अल्लाह के हुक्म से सहतियाब हो चुके हैं, तो लिम्पीज डिजीज़ के ऊपर भी काबू पा लिया गया अल्लाह के हुक्म से। तो अब चलते हैं मंडी की तरफ, देखते हैं कि मंडी में कौन कौन से जानवर मौजूद हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आए हैं तो एक जानवर जो है सेल आउट हो गया है, तो उसको ले जाया जा रहा है, आइए मालूम करते हैं इसके मुतालिक। आपने लिया है आओ किसका ही है? नहीं हैं? कितने का ये रखे ना 1,21,000 का लिया हल। तो व्यूअर्स यहाँ पे मालूम किया है तो इन्होंने बताया कि 1,30,000 का या 20,000 के अंदर इन्होंने परचेज़ किया है जानवर, जिसके साथ इसका एक छोटा बच्चा भी मौजूद है। ऊपर नहीं चढ़ रही है बताओ। और देख सकते हैं व्यूवर्स के जानवर जो है बिल्कुल घबरा गया और ऊपर नहीं चढ़ रहा, तो काफ़ी कोशिशें हो रही हैं इस वक्त इसको ऊपर चढ़ाने की, क्योंकि इसको ले जाया जा रहा था तो काफ़ी डर चुका है इस वक्त और अब उठने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। अरे पैर पकड़ के खींचो आगे। नहीं नहीं क्या वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ये घबरा गया इधर आइए। घबराया कैसे? ये ट्रक से उतरा है ना, अभी इसके घर भर भर को ट्रक में चढ़ा रहे। ट्रक से डर गया है ये? ट्रक में ये 10-12 जानवर अभी अकेला है ना, तो इसलिए ये थोड़ा, ये बदीन से आया ना माल सुबह को। अच्छा हाँ सुबह को माल आए? ये सुबह को आया बदीन से। अच्छा बदीन से आए, ठीक है। तो अभी ये डर चुका है बिल्कुल, इसी वजह से खड़ा भी नहीं हो रहा है। नहीं अभी ये खड़ा होएगा। अच्छा आपका कहना ये है कि 3-4 जानवरों के साथ जाता है तो ये आराम से जाता है, अभी अकेला जा रहा है तो घबरा गया? वो बहुत घबरा गया क्योंकि तो जंगली जानवर है ना, उधर बदीन में ये खुला चलता है ना, उधर जैसा इंडिया का जो खुला है ना मिट्टी वाला इलाका होता है। अब अरे मुझे सांस निकली रोजे में उसका। अच्छा अच्छा ये बताएं, अच्छा ये बताएं कि इसको पालेंगे ज़िबा करेंगे किस पर्पज से लिए? ये दूध पिएंगे इसका भाई। अच्छा दूध वाला जानवर है? ये दूध उसका बच्चा है, वो नहीं देख रहे तुम सामने खड़े? अच्छा इसका बच्चा है? हाँ ये इसका बच्चा है। दूध के लिहाज से आपने लिया, दूध के पर्पज से लिया? जी जी। तो लेके कहाँ जा रहे हैं इसको? इसको इधर शेरपाओ में वहाँ लेके जाया जा रहा है। हाँ तो और भी जानवर हैं, एक ही जानवर रखा? और जानवर हैं उधर। अच्छा, अभी सारे दूध वाले? हाँ दूध वाले ने, अभी तो दूध ऐसे बढ़ रहे हैं नहीं बेचे। तो घर के इस्तेमाल के लिए लेंगे इसका दूध या फिर आप बेचेंगे, क्या करेंगे? ये घर के इस्तेमाल के लिए? घर के इस्तेमाल के लिए। हाँ तो इस जानवर में से मालूम क्या आपने कितना लीटर निकल रहा? इसमें से 3 लीटर सुबह को निकलता, 3 लीटर शाम को। 3 लीटर सुबह, 3 लीटर शाम। 1 लीटर इसका बच्चा पीता है सुबह को, 1 लीटर शाम को पीता है, यानी टोटल 8 लीटर होता है इसके अंदर। 2 लीटर बच्चा पीता है, 6 लीटर हम लोग पीते हैं। मुझे लग नहीं रहा कि खड़ा भी होगा। है नहीं ये खड़ा हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा ये? देमा का मुकान रहा चाहिए कितनी यार रहे थे। तो व्यूअर्स देख सकते हैं कि जानवर को ऊपर चढ़ा रहे थे तो जानवर बिल्कुल नर्वस हो गया है। अच्छा ये भी बता दें इसके दांत कितने हैं? ये दांत इसके 6 दांत में ही हैं। मुझे लग रहा है ऐसे ही जाएगा ये बैठा बैठा। नहीं नहीं इंशाल्लाह ये खड़ा होएगा भाई। ये तलार का मार है ना बदीन का, ये बदीन शेड का, इधर का खाता पीना कुछ नहीं, खाली मिट्टी खाते रहते हैं,
अब इधर कराची शहर में ही आता है, इसको वंडा मंडा मिलता है, समझ गया नहीं, तरी है कूड़ी, सब वाड़े वाले जानते हैं, स्कूल तक कूड़ी मारे, बैठते उठते नहीं है, समझ गया ना, रस्सी का आदि नहीं है ये लोग, रस्सी अभी आजाद रहते हैं, आजाद रहते हैं, जब इनको रस्सी में डालते हैं तो परेशान परेशान हो जाते, ये रस्सी का वजह से ये कर रहे हैं। अच्छा ये सेट है ना जानवर, कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बच्चा है उसका, ताजा है बाबा, अभी बच्चा दिया हुआ है, कल बच्चा दिया, ताजा अभी खा। बच्चे की उम्र कितनी होगी इसकी? बच्चा कल दिया हुआ है इसने, तीन चार दिन का है, ताजा का जानवर है। चले खैर खैरियत से लेके जाएगा, सही है? नहीं नहीं, कड़ा होके जाएगा, अभी गाड़ी है लेगा इंशाल्लाह, कड़ा हो जाएगा। ये रस्सी का आदि नहीं है ना, यही वजह, रस्सी का आदि नहीं है, इस वजह से बैठ गए। हाँ रस्सी का आदि, ये भी बता दें किस चीज का आदि है ये बस जो आदि जंगल का आदि है, जंगल में घूमते हैं, जंगल में आजाद घूमते रहते हैं ना, रस्सा डालते रहे बैठ जाते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जानवर जो है काफ़ी ज़्यादा डर गया था, और जब इसको गाड़ी में चढ़ाया तो बैठ ही गया था, इसके बाद देख रहे हैं कि बैठ कर ही जा रहा है, खड़ा नहीं हुआ अभी तक। और बताया गया है, इन लोगों ने बताया कि जंगल का आदि यानी खुले एनवायरनमेंट में रहता है, तो इस वजह से गाड़ी वाड़ी को देख कर थोड़ा सा नर्वस हो गया। ये भी मालूम किया हमने इसी कीमत का कि 6 दांत की दूध वाली गाय उन्होंने परचेज़ की, जिसके साथ एक बच्चा भी 3-4 दिन का, तो 130,000 का इन्होंने परचेज़ किया। तो देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर भी सौदा हो रहा है, और यहाँ पर भी जानवर जाते जा रहे हैं, और देख सकते हैं कि इस वक्त 3-4 जानवर तो उन्होंने लोड कर दिए। ये हम लोग कट्टू माल की साइड पर जा रहे हैं, आइए यहाँ पे भी नज़र डालते हैं कि भाई क्या कितने कितने की ख़रीद और फरोख्त चल रही है इस वक्त मंडी में, कितने कितने के जानवर बिक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। जी बताएं कितने जानवर लिए आपने? हमने 5-6 लिए हैं। 5-6 जानवर लिए हैं, अच्छा, तो किस पर्पज़ से लिए, किस इरादे से लिए? कुर्बानी में पालेंगे, पहले कोई आ गया पहले दे देंगे। अच्छा, कुर्बानी के लिए आपसे, आप पालेंगे उसको, सेहतमंद करेंगे फिर बेचेंगे जी। तो तकरीबन कितने ही हैं? 7-8 हैं। 7-8 जानवर है अभी लोड। हाँ। तकरीबन 3-4 जानवर हो चुका है, 5 जानवर लोड कर लिया आपने, ठीक है। तो ये बताएं कितने दांतों में? 2-4 है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने कुर्बानी के लिहाज में आपने बेचने का इरादा बनाया कि कुर्बानी के सीज़न में उसको सेल आउट करेंगे, तो ये बताएं कि जब कुर्बानी का सीज़न आएगा तो उनका वज़न कितना कितना हो जाएगा? कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं पता आपको? अच्छे वज़न में हो जाएंगे? तो एक जानवर आप कितने तक का बेचेंगे? वो देखे जाएंगे जब रेट आएगा। यहाँ से कितने का लिया आपने? कोई 35 का, कोई 40 का। हाँ। और जैसे अभी आप लेके जाते हैं जानवर। हाँ। और जब सीज़न आता है तो आप कितने कितने के बेचते हैं, कितने कितने के निकल जाते हैं? किसी पे 5,000 मुनाफा मिलता है, किसी पे 10,000 मुनाफा मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता? नहीं 10 भी मिलता है। अच्छा 10,000 मिल जाता है किसी पे, 5,000 मिल जाता है, तो उनकी पलाई करते हैं, उनको अच्छा खिलाते पिलाते हैं, उसके बाद उनको सेल करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि 5-6 जानवर इन्होंने ये लोड किए हैं, ये मेरे ख्याल से कसाब ने ख़रीदे हैं, या किस पर्पज़ से ख़रीदे हैं, इन्होंने ये बताया है कि इसको लेके जाएंगे, इसकी खिलाई पिलाई करेंगे, इसको तंदुरुस्त करेंगे, सीज़न से पहले इसको तैयार करेंगे, उसके बाद इनको सेल आउट करेंगे। अच्छा, मंडी से इन्होंने जो जानवर ख़रीदे हैं, किसी कोई 35,000 का ख़रीदा है, कोई 40,000 का ख़रीदा है, इस रेट में इन्होंने जानवर ख़रीदा है। तो व्यूअर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कट्टू माल की साइड है, आइए यहाँ पर भी रेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? खैरियत से हैं? खैर है जी। बताएं कितने कितने का सेल कर रहे हैं? ये वाला है 45, ठीक है, 55, ये 45 से 55, और ये 55, ये भी 55 है। अच्छा, वज़न में कितना है? वज़न ये 3 मन है। ये 3 मन है जो सिंग वाला? और दांत? दांत पूरे है। दांत पूरे हैं इसके? अच्छा, और ये? ये 1.5 मन है। ये खीरा है क्या? ये खीरा है। तो तैयार कब तक होंगे? ये खीरा है। ये खीरे जो है कब तक तैयार होंगे? हाँ जल्दी तैयार होंगे, जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो व्यूअर्स देख सकते हैं जानवर है जो उन्होंने रेट बताएं, और इनसे मालूम किया तो उन्होंने कहा नहीं फाइनल रेट है, तो इस कीमत में ये जानवर बेच रहे हैं, खीरे बच्चे हैं, और कह रहे हैं सीज़न तक तो ये तैयार नहीं होंगे, सीज़न के बाद आने वाले सीज़नों में तैयार होंगे ये। और इसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी जानवर मौजूद हैं, आइए इनसे भी मालूम करते हैं कि क्या प्राइस दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनो कैसे? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन कौन से जानवर लेकर आए? ये मेरे पास नहीं है, मेरा सेठ है उसके पास जाओ। अच्छा, ये बताएं कितने कितने के बेच रहे हैं? ये तो 60-70। ये 60 का है, और ये वाला? ये भी इतने का। अच्छा, ये भी 60,000 का। दांतों में कितने हैं? दोनों पे खीरे। खीरे हैं, सीज़न तक तैयार हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा, वज़न में कितने होंगे, कुछ पता है आपको? वज़न पे तकरीबन 2-3 मन हो जाएंगे। 2 मन हो जाएंगे। 2 मन। अच्छा, ये भी 60,000 का, ये भी 60,000 का जी। तो 2 जानवर लेके खड़े हैं आप जी? 3 है। 3 जानवर? हाँ, मैं मजदूर हूँ भाई। जी क्या कह रहे थे आप? मैंने बोला मैं मजदूर हूँ, सेठ दूसरा है। अच्छा, आप मजदूर हैं जी। ये वाला जानवर के बारे में बताएं इसके? ये लेगा क्या बता दें, देने वाली कीमत बता दें बिल्कुल आखिरी। 60,000। ये भी 60,000 रुपये का? अच्छा, ये भी खीरे के लिए? हाँ, ये धुंधा है।
चलें नाम बता दें, अपना फ़ोन नंबर बताना। मेरा नज़र मोहम्मद नाम है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? सही जी। ये बताएं कितने का सेल कर रहे हैं इसका? इसका मैं तो 75 मांग रहा हूँ। 75 मांग रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो ये भैंस है 75 का बेच रहे हैं आप। दांतों में कितना? दांतों में खीरे। खीरा है। तैयार कब तक हो गए? बस कुर्बानी के तैयार हो जाएगा। कुर्बानी तक तैयार हो जाएगा? जी जी। अच्छा, अभी इसका वज़न कितना है? वज़न इसका 3.5 मन हो जाएगा। 3.5 मन है। और कुर्बानी तक कितना वज़न जाएगा इसका? कुर्बानी तक 4 मन हो जाएगा। 4 मन हो जाएगा, ठीक है। ये बताएं कितने का देंगे फाइनल? फाइनल 70 का लेंगे। 70 में देंगे जी। अच्छा, तो 3 ही लेकर आए आप ये? 3 ही? हाँ, 3 लेकर आए। 3 कहाँ तुम ले गया? अच्छा, चले नाम बताएं, अपना फ़ोन नंबर बता दें। फ़ोन नंबर बता दें, नाम बता दें। नाम आपका गुल मोहम्मद है। चलें, बहुत शुक्रिया। आप इतना घबरा रहे हैं, क्या नंबर लूँ आप? जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बताएं कौन सी नस्ल के जानवर हैं ये? थरपाकर के हैं। थरपाकर के? अच्छा, खीरे हैं या फिर दांतों में? खीरे हैं बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताएं कि तैयार कब तक हो जाएंगे, दांत कब तक निकाल लेंगे? तकरीबन इनको 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने लग जाएंगे जी। तो यानी इस सीज़न में तैयार नहीं होंगे? तैयार नहीं होंगे वो पानी तक। तो एक बच्चा कितने का सेल कर रहे हैं? जोड़ी का दाम है 125। जोड़ी के 125 मांग रहे हैं आप जी। और ये बताएं फाइनल कितने तक में देने का इरादा? फाइनल तो मैं आपको नहीं बता सकता, अभी मेरा सौदा भी चल रहा है, लेकिन वैसे मार्केट गिरी हुई है बहुत, सुबह से परेशान हुए हैं हम लोग। और जो जानवरों में जो बीमारी का हिसाब किताब बता रहे थे, वैसे जानवर एक में बीमारी होती है, और लेकिन लोगों ने बातें फैला दी है, जिसकी वजह से व्यापारियों को तकरीबन बहुत खसारा हुआ है, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, तो आप परेशान हैं अभी तक, आपका कुछ भी सेल नहीं हुआ? मैं तकरीबन गांव से 10 जानवर लेके आया था, उसमें से एक जानवर बिका है, 9 जानवर, 1 जानवर बिका है, बाकी 9 जानवर मेरे पास अभी मौजूद है। उनका किराया, खर्चा, मजदूरियाँ बिल्कुल परेशानी में है। अल्लाह बेहतर करेगा। चलें, अपना नाम बता दें, आप फ़ोन नंबर बता दें, अगर कोई ख़रीदना चाहेगा आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। मेरा नाम है मखदूम। ठीक है, फ़ोन नंबर 03403970963। ठीक है, लोकेशन बता दें अपनी, कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ तालको डिप्लो है, और मैं वैसे कलोई शहर में रहता हूँ, बदीन से 60 किलोमीटर आगे है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। बताएं कौन कौन सी नस्ल के जानवर लेकर हैं? ये जानवर सही है, पंजाब का है। पंजाब का ही है? कितने कितने का बेच रहे हैं ये भाई जान? 1-10 का, 1-20 का, 1-30 का, 1-40 का। 1-10, 1-20, 1-30, 1-40। कौन सा 1-10 का, ये भी बता दें। रलियाँ खड़े हैं बेच माल यार, मिक्स थे खड़े। अच्छा, मिक्स है। चलें, 1 लाख के आपने रेट बताए, 1-10 से लेके 1-40 तक के हैं। दांतों में कितने हैं? दो 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 दांत में ही हैं। ठीक है, एक जानवर का वज़न बता दें कितना होगा? ये वज़न तो भाई जान हूँ कोई पता नहीं पा लगता, वज़न का आपको नहीं पता। चलें, अच्छा अपना नाम बता दें। मैं नाम रियाज। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। जी बताएं कौन सी नस्ल का जानवर है ये? साहिवाल का। साहिवाल नस्ल है। अच्छा, दांतों में कितने हैं? दो हो रहा है अभी। दो दांत में हो रहा है, सीज़न तक तैयार हो जाएगा? अभी तैयार ही है, ऐसे समय एक दांत निकाल रहा है, एक वो भी निकल आएगा। तो ये बताएं कि इसका वज़न कितना है? 3.5 मन है। 3.5 मन इसका वज़न है। अच्छा, ये बताएं फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल 1-10 का है। 1-10 मांग रहे हैं इसके? फाइनल है। फाइनल है, मांग रहे हैं 1,40,000। 1,40,000 आप मांग रहे हैं, 1-10 बिल्कुल फाइनल है। अभी मंडी में क्या रेट लग गया? 1,00,000, 1,05,000। नहीं दिया आपने? तो क्यों, वारे में नहीं आ रहा इतने में आप? नहीं आ रहा था। चले नाम बता दें, अपना फ़ोन नंबर बता दें आप। नाम मेरा मोहम्मद यूसुफ है। फ़ोन 03333-3295-358। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? अमल दुआ जी। बताएं कौन सी नस्ल के जानवर हैं ये? सिर्फ पंजाब का है। पंजाब का है। अच्छा, ये बताएं दांतों में कितने हैं? ये दो दो दांत में। दो दो दांत में ही है। और ये बताएं कि इनका वज़न कितना कितना? इसका 5 मन होगा, ज़्यादा है। अच्छा, 5 मन है, ठीक है। और इस वाले का, वाइट वाले का? इसका भी 4.5 होगा। अच्छा, ये बताएं कितने कितने के सेल कर रहे हैं इसका? इसका 1-45। वाइट वाले का 1-45 और ये ब्राउन वाले का? इसका 1-45। इसका भी 1-45। अच्छा, ये बताएं फाइनल कितने तक में देंगे, अगर कोई ख़रीदार आपके पास आता है तो? तकरीबन 60 का होगा। 60 का? 2-60 का होगा। 2-60 का हो जाएगा जोड़ी। और अगर आपको कोई 2 लाख रुपए दे तो? 2 लाख रुपया
नहीं सौदा बनेगा, नहीं सौदा बनेगा, नहीं। फिर कितने में बन जाएगा सौदा? 240 तक बन जाएगा। 240 तक बन जाएगा, चलें ठीक है। अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता रहे हैं। मेरा नाम इतबार है, फ़ोन नंबर नहीं, फ़ोन नंबर नहीं है। चलें बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं सौदा होता हूँ, नज़र आया, देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे आवाम ने कितना रश लगाया हुआ है। एक जानवर खड़ा हुआ, उसके ऊपर सौदा हो रहा है, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। इस वक्त डीलिंग चल रही है, तो कितने तक का सौदा हो रहा है आइए जानने की कोशिश करते हैं। कितने का खरीदा ये? अभी कांटे पे कर, जिंदा का किया है। अच्छा, जिंदा का कांटा कर रहे हैं। कांटा करने के बाद आपने खरीदा है, तो कितने? 350 रुपए केजी के हिसाब से, 350 रुपए किलो के हिसाब से आपने खरीदा है। तो ये तकरीबन कितने का पड़ेगा आपको, अगर ये 2.5 मन का, 3 मन का, 4 मन का भी चाहता तो? ये तकरीबन मुझे पड़ जाएगा 80-85 का पड़ जाएगा। 80-85 का पड़ेगा ये? तो आपने खरीद लिया है? हाँ खरीद लिया मैंने, कांटे पे 350 किलो के हिसाब से। अच्छा, ये भी बता दें कि आपको कैसे ख्याल है कि 350 केजी के हिसाब से खरीदना चाहिए? मुल्तान से मेरी बात चलती है, मेरा काम है ये। अच्छा, तो मैंने लास्ट जो है मुल्तान से जानवर उठाए थे 280-285 किलो के हिसाब के, केजी के हिसाब से। अच्छा, तो यहाँ पर अब जाहिर सी बात है लाने का खर्चा किराया रहा है, तो यहाँ पर चलें आप, अब वहाँ पर भी कुर्बानी वाले 310 से 315 320 पे आ गए हैं, तो अगर ये 350 पे मिल रहा है तो 2-3 हज़ार तो लाने का ही खर्चा हो जाता है, किराए में खर्च हो जाएगा, वो किराए का खर्चा हो जाएगा, फिर वहाँ से वज़न भी गिराता है जानवर। अच्छा, हाँ तकरीबन 10-15 किलो तो वेट गिरा देता है, तो वो मेरा बचत हो जाएगी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि अगर 350 के जी भी मिल जाए मुझे। अच्छा, आपने एक बात बोली कि वज़न गिराता है, तो कैसे गिराता है, क्या लूज मोशन? भाई मुल्तान में जो है वो फ्रॉड ये चल रहा है कि वहाँ पर पानी वाला जानवर दे रहे हैं। अच्छा, वो 20-20 लीटर पानी पाइप से जो है वो भर पे, उसके बाद वो कांटे पे वज़न करते हैं, तो जब वो कराची पहुंचता है तो उसका 20 से 25 किलो वज़न गिर जाता है। जी, तो यानी पानी पिलाते हैं उसको ठीक ठाक, फिर उसको वज़न करके उसके बाद पानी पिलाते नहीं है, पानी उसके पाइप मुंह में डाल के और 20 लीटर पानी उसके मुंह में भरते हैं। अच्छा जी जी जी, तो अच्छी तरीके से पानी की भराई करते हैं, उसके बाद सेल आउट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वज़न के हिसाब से आप किलो के हिसाब से खरीदते तो आपको नुकसान हो जाता है? फिर वो नुकसान हो जाता है, 20-25 किलो के आपके पैसे, अगर आप उसको 350-300 से भी लगाएं तो तकरीबन 6-7 हज़ार का फर्क आ जाता है। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई पानी पिया हुआ जानवर हो, जैसे उसको पाइप मुंह में डाल के पानी भर दिया, तो उसको पहचानेंगे किस तरीके से? उसका पेट जो है वो अलग ही शेप में निकला हुआ होगा, जो फुल भरा हुआ पानी होगा। दूसरा ये कि अगर आप उसको 10 मिनट भी खड़ा रखेंगे तो वो ज़मीन गीली करेगा। अच्छा, हर थोड़ी देर के बाद वो गीला करेगा अपना, तो उससे पता चल जाता है कि जानवर सूखा नहीं है। अच्छा, आपने अभी जो जानवर लिया दांतों में कितना है? ये दो है, दो दांत में है। तो आपने जानवर को चेक कर लिया, जानवर बिल्कुल सही है? जी हाँ जी हाँ, मैंने इसका सबसे पहले मेरा एक जानवर उसमें बीमारी आ गई थी, तो वो मैंने फिर वो 30 हज़ार में निकाला था, तो इस वजह से अब मैं बहुत केयरफुल होकर सारी चीज़ें देख रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप जो है अभी एक जानवर लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप किलो के हिसाब से खरीदते हैं, तो यकीनन आप ज़्यादा जानवर खरीदते होंगे, क्वांटिटी में खरीदते होंगे, तो आपने भी एक जानवर क्यों खरीदा? भाई इधर के रेट इतने ज़्यादा हुए हुए हैं कि ये बड़ी मुश्किल से 350 रुपये पे एग्री हुए हैं, तो बाकी तो मेरे ख्याल है जो 2 मन का जानवर नहीं है उसको 140-145 मांग रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर फिर मैं सिंध की मंडी से जाके जानवर उठा लूँ। वैसे आपको ये झोके मंडी कैसी लगी, यहाँ पे आपने परचेजिंग करी? नहीं, रेट यहाँ पे ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है यहाँ पे, रेट ज़्यादा है। अच्छा, अपना नाम बता दें आप? अद्दान नाम है मेरा। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ठीक है, अल्लाह खुश रखे, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। जी ये बताएं कि आप खरीद रहे हैं जानवर? जी हम बेच रहे हैं भाई, हमारा जानवर है। अच्छा, आपका जानवर है, बेच रहे हैं? जी भाई। मैंने कहा रस्सी किसी और के हाथ में, मैंने कहा शायद ये अपना भाई है ना, बेच रहे हैं हम दोनों भाई। ये बताएं कितने का बेच रहे हैं? ये 10 इसका दाम कर रहे हैं, बेचेंगे 90 हज़ार का। अच्छा, 90 हज़ार का बेचेंगे, एक दस आपने दाम लगाया इसके। जी हाथों में कितना है? ये खीरा है, पक्का खीरा है, पक्का खीरा है जी। तो बकरे ईद तक तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से भाई। अच्छा, अभी इसका वजन कितना है? वजन 3 मन से अच्छी है। 3 मन से अच्छा है। अच्छा, एक ही जानवर लेकर आए? नहीं नहीं, हमारे 10-15 जानवर थे। 10-15 जानवर मौजूद हैं आप? ठीक है, बताएं फाइनल कितने तक में देंगे? ये हम 90 से कम नहीं बेचेंगे। 90 से कम नहीं बेचेंगे। अगर कोई 80 हज़ार लेकर आ गया गलती से तो? उसकी मर्जी है भाई, अल्लाह खैर, बोले कोई 50 वाले भी आ जाते हैं, 40 हज़ार वाले भी आ जाते हैं। नहीं चले, अगर 80 हज़ार वाले भी आ गए तो? कितने? अच्छा, अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। कितने? तो व्यूअर्स देख सकते हैं कि यहाँ पर सौदा हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। मालूम करते हैं कि कितने में बात हुई है। पागल है क्या, दिमाग फुफा रहे हैं क्या? क्या हुआ, खैरियत तो है?
गलत बेच रहा, उसको पता नहीं था ना। अच्छा गलत बेच रहा है, कितने लगा देता उसने? वो दो का 80 की दे रहा था, 82,000 की पीछे की ली हुई है। अच्छा 82,000 की लीव है, खर्चा भी ऊपर है। अच्छा खर्चा भी इसका ऊपर है। हाँ। और दो का 80 में सेल कर रहे थे। हाँ, वो भूल गया, उसको पता नहीं था कितने की है। अच्छा ये बताएं फाइनल कितने तक में देंगे? चलो यार 2-3 हज़ार जो से नहीं मिले नहीं मिले बस। कितने तक में देंगे? 85 की 83 की दे देंगे यार, एक बची हुई घाटा कार देंगे, एक जानवर में कुछ नहीं होता यार। चले ठीक है, अपना नाम बता दें, फोन नंबर बता दें। मोहम्मद तसवर 0347-18-54-06 की बाजोड़ा बाज का। तो व्यूअर्स देख सकते हैं सौदा हो गया है और ये लेके जा रहे हैं जानवर को। कितने का सेल हुआ है? 2 का 80 का। तो व्यूअर्स जितने का इन्होंने बताया था उतने का सेल आउट कर दिया, 2 का 80 का सेल आउट कर दिया जानवर, और जानवर लेके जा चुके हैं। तो काफ़ी ज़िद बहस हुई, काफ़ी यहाँ पे तलखलामी भी हुई, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद फिर ये सौदा बना और अब जानवरों को लेके चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? खैरियत ठीक ठाक जी। बताएं कौन सी नस्ल का जानवर है ये? जामशेरो नस्ल का है। अच्छा तो ये बताएं दांतों में कितने हैं? ये दांतों में 2 है। दांतों में 2। और वज़न? वज़न इसका 110 किलो। 110 किलो है। अच्छा आपने तोला हुआ इसका वज़न, काटा किया हुआ? हाँ पक्का 110 है? 110 किलो, 1 किलो भी फर्क हो गया भरेगा। तो ये बताएं कि कितने का बेच रहे हैं? इसका 85,000। और फाइनल देना कितने में? फाइनल 75। 75 में देना है। और अभी मंडी में क्या रेट लगा? कुछ रेट लगा मंडी में? 70 लगा भाई, वो पीछे घूम रहा है। अच्छा ये आगे भाई पीछे। तो देना कितने में? देने वाले रेट बता दें। 75 का देना है, इससे कम में नहीं देंगे। ठीक है चले, अपना नाम बताएं, फ़ोन नंबर बता दें। नाम अब जावेद। फ़ोन नंबर? फ़ोन नंबर नहीं है। फ़ोन नंबर नहीं है? फ़ोन नंबर है, याद नहीं है। अच्छा फ़ोन नंबर याद नहीं है, लेकिन ये जरूर याद है कि कितने का बेचना है। ये याद है। अच्छा ये तो नहीं भूलेंगे ना, उधर करेंसी लगा हुआ है। अच्छा चले बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम। जी ये बताएं कौन सी नस्ल का जानवर है? ये साहिवाल नस्ल। साहिवाल नस्ल है, बच्ची आई है जी। ठीक है, क्या मांग रहे हैं इसके आप? ये मांग रहे हैं इसके 1.45। 1.45 मांग रहे हैं। अच्छा वजन कितना है इसका? ये 3.5-4 मन वजन है। 3.5-4 मन इसका वजन है। अच्छा दांतों में कितनी है? ये पक्की खीरी है, कुर्बानी पे तैयार हो जाएगी। ठीक है ये बताएं फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल 1.10 में। फाइनल 1.10 में राधा देने का। और ये वाला? ये 85 में फाइनल है। ये फाइनल 85 में। ये कौन सी नस्ल है? ये भी साहिवाल की। अच्छा इसका वजन कितना है? ये तकरीबन 2.5 मन की। ये भी 2 दांत में? नहीं पक्की खीरी है ये भी। अच्छा ये सीजन तक तैयार होगा? ये भी हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है, कंफर्म नहीं कह सकते, उम्मीद है। उम्मीद है कि तैयार हो जाएगा। ठीक है फाइनल डेट बता दें देने वाले। फाइनल इसके 85 फाइनल है। 85 बिल्कुल फाइनल। और इसके 1.10? इसके 1.10। और अगर कोई दोनों लेना चाहे तो? जोड़ी ले जाए जैसे मैंने बोला, एक वो 85 का, एक 10 का। अच्छा इसमें रेट कम नहीं है? नहीं। ठीक है चलें, अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। मोहम्मद शकील, मोबाइल नंबर नहीं है। मोबाइल नंबर नहीं है आपके पास? अच्छा रहते कहाँ पर हैं आप? मैं मुन्नी ग्यारत पे। चलें बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप खुश रखें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सी नस्ल का जानवर है? ये 44 है। 44 है। अच्छा वजन में कितना है? 4.5 मन है। और दांतों में? पक्का खीरा भाई। पक्का खीरा है, सीजन तक तैयार हो जाएगा? हो जाएगा इंशाल्लाह। सही बताएं फाइनल कितने तक में देंगे? ये फाइनल जो है 1.40 का। फाइनल 1.40 में? 1.80 मांग रहे। 1.80 इसकी डिमांड है, 1.40 में देंगे? 1.40 में। और अगर कोई 1 लाख रुपए लेकर आ जाए तो? नहीं होगा, नहीं देंगे इतने में। कट्टू में भी बहुत महंगा है, ऊपर है कट्टू में भी महंगा ही है। कट्टू में भी महंगा है तो क्या ये कट्टू माल है? कट्टू नहीं है ये थारी। फिर आप कट्टू की मिसालें क्यों दे रहे? कट्टू की मिसालें दे रहे कि आप लाख में बोल रहे हो कि लाख भी लाएगा तो आप नहीं दोगे, नहीं दे सकते, कट्टू में भी नहीं जाएगा ये इतने का, ऊपर है कट्टू में भी। यानी कसाई के रेट में भी नहीं जाएगा आपका कहने? अच्छा आपका कहने का मकसद है कसाईयों के रेट में नहीं जाएगा? कसाई के रेट में भी 1,15,000 का है। चलें अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। कामरान। फ़ोन नंबर? फ़ोन नंबर ये लिखा हुआ है। अच्छा ये फ़ोन नंबर आपका? तो व्यूअर्स इनका फ़ोन नंबर है, देख सकते हैं आप लोग। नाम क्या बताया आपने? कामरान। चलें बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? खैरियत से? मुन्ने अल्लाह का करम है। ये बताएं कौन सी नस्ल के जानवर है? ये भाई कंदकोड़ी नस्ल है। अच्छा दांतों में कितने हैं? ये पक्का खीरा है। पक्का खीरा है, सीजन तक तैयार हो जाएगा? कुछ बोल नहीं सकते, ये नस्ल वाला बच्चा है, सीजन तक तैयार हो भी सकता है, उसके बाद भी तैयार हो सकता है। अच्छा जी, तो ये बताएं कि वजन कितना है इसका? वजन है इसका 2.5 मन। 2.5 मन इसका वजन है। ठीक है, देना कितने में, सेल कितने में कर रहे हैं? इसका एक ही दाम है 80,000 का। एक ही दाम है 80,000 रुपये? जी जी। और ये बताएं कि अभी मंडी में क्या रेट लगे? मंडी में इसका सवेरे 80 लगा था, दे दिया कच्चा हो गया, उसके बाद 78 का भी मांगा, 75 का भी मांगा, ऐसे मांगते रहे, नहीं दिया, नहीं दिया। चलें अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। मेरा नाम है बिलाल। फ़ोन नंबर? फ़ोन नंबर 0305
83 95 754। और ये गलत जो है ना, ये कॉल करते लोग ये नहीं करें, मेहरबानी करके सर इनसे गरीब से भी लेना। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे साथ नईम कुरैशी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे जनाब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, लिम्पी स्किन डिजीज वायरस जो था वो कहाँ तक पहुँचा? जी तकरीबन अब तो ये वायरस ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है वायरस का। जो जानवर आए हुए थे वो तकरीबन सही हो रहे हैं, जिनको मरना था वो मर गए, अब तकरीबन वायरस ये ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मैंने देखा कि बाड़ों में भी मौजूद है ये वायरस बीमारी। अब ये बीमारी जो है पंजाब की तरफ चल रही है, आगे सिंध से निकल रही है ये बीमारी अब। अच्छा, सिंध से निकल रही है और पंजाब की तरफ है? हाँ, पंजाब की तरफ अभी ज़्यादा हो गई है। तो पंजाब की सूरत हाल क्या है, वहाँ की जो बाढ़ है उनकी क्या सूरत हाल है, थोड़ी इस पर वजाहत करें। वहाँ अभी दाने जानवरों की ये बीमारी अभी स्टार्ट हो गई है, उधर भी जानवर मरना चालू हो गए हैं। तो अभी सिंध से तकरीबन ये बीमारी निकल चुकी है, हमारे जो जानवर आए थे वो भी तकरीबन सही हो गए, बकाया जानवर हमारे सारे सही हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी पंजाब से ख़रीदारी करना सही है? जी जी, देख के ले, बिल्कुल ख़रीदारी करो, देख के ले, साफ जानवर ख़रीदो, जो गलत हो वो छोड़ दो। जी जी। अच्छा नईम कुरैशी साहब, ये बताएगा कि ये जो लिम्पी स्किन डिजीज़ है, आपने तो इसके ऊपर काबू पा लिया है, तो ये बताएं कि अगर कोई ख़रीदारी यहाँ से करना चाहेगा तो मुतमईन होकर बेफिक्र होकर ख़रीदारी करें, कोई इसकी सिंह की प्रॉब्लम या कोई टेंशन तो नहीं होगा? ख़रीदारी इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा डरे हुए ख़रीदने से, क्योंकि नहीं ऐसी बात नहीं है, डरो नहीं ख़रीदने से, आके ख़रीदें, घर तलक की हमारी जवाबदारी होगी जानवर की। अच्छा, जैसे कि अगर कोई जानवर खरीद के लेके जाता है सीज़न तक, अगर उसमें कोई बीमारी आ जाती है फिर इस किस्म की लिम्पी स्किन डिजीज, नहीं तो उसके अभी से लेके हम बकरीद तक जवाबदार होंगे, जो जानवर हम बेचेंगे उसके जवाबदार होंगे। अच्छा, ऐसी बात लेके आप बकरीद तक जवाबदार होंगे? जो भी हमसे जानवर लेकर जाएगा उस जानवर के जवाबदार हम होंगे। कुर्बानी वाला तो एक जानवर ही लेके जाता है कुर्बानी के लिए, अगर वही जानवर तकलीफ में आ जाए तो वो परेशान हो जाता है। हम लोगों का तो एक सिस्टम है, ज़्यादा जानवर है, पहली कोशिश तो हमारी ये होती है हम बीमार जानवर बेचते ही नहीं है। अगर कोई जानवर हमसे लेके जाएगा तो उसकी गारंटी होगी हमारी, इंशाल्लाह हर चीज़ की वैक्सीन है, सफाई सुथरा ये जानवर के ऊपर मेहनत है हमारी। ठीक है, तो आप गारंटी देने के अभी से अगर कोई जानवर खरीदता है सीज़न तक के यानी बकरीद तक के, आप उसको फुल गारंटी देंगे? जी, फुल गारंटी देंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे नईम कुरैशी साहब ने बताया है कि अभी अगर कोई रमज़ान में ख़रीदता है, जैसे कि आज 10वां रोज़ा है, तो अगर कोई आके ख़रीदारी करता है 10वें रोज़े से लेकर, उन्होंने बकरीद तक की गारंटी दी है कि कोई भी अगर यहाँ से नईम कुरैशी साहब के पास से जानवर लेके जाता है और अगर जानवर बीमार होता है या कोई बात है, तो नईम कुरैशी साहब जो है उसके पूरे ज़िम्मेदार हैं, फुल गारंटी दे रहे हैं? जी जी, बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं, पूरे ज़िम्मेदार हैं, वो जानवर वापसी बांध जाए, अपने पैसे ले जाए, बेफिक्र हो गए। अच्छा, तो आप पैसे रिटर्न कर देंगे अगर कोई बीमार जानवर? अगर जानवर हमारा बीमार कोई बोलेगा तो हम उसको पैसे रिटर्न कर देंगे, वैसे तो इंशाल्लाह हमारा जानवर बीमार जाएगा ही नहीं। पानी के सीज़न के लिए अभी मेरे पास 105 जानवर खड़े हैं। अच्छा। ये सारे माशाल्लाह फैंसी जानवर हैं, गुलाबी के जानवर जो है, जिस पर हम नज़र डालने जा रहे हैं, खूबसूरत जानवर हैं। जी जी जी, इनके बारे में बताएं। ये गुलाबी के अंदर कहते हैं लाल अबलक, इसको 4.5 लाख रुपए इसके मांग रहे हैं, इसका वजन 14 मन है, 7 मन इसका गोश है। 7 मन इसका गोश है? जी जी, 14 मन इसका वजन है, 14 मन जिंदा इसका वजन है। दांत कितने इसके? ये अभी खीरा है, बकरीद पे 2 दांत हो जाएगा, बकरीद तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। हाँ, बकरीद तक तैयार हो जाएगा। इसकी प्राइस कितनी है? इसके 4.5 लाख रुपये। 4.5 लाख रुपये। और हमारे व्यूअर्स के लिए? जी आएंगे, करेंगे इंशाल्लाह, जानवर बहुत फैंसी गुलाबी जानवर है, जो आएगा उसको पसंद आएंगे जानवर हमारे। कमी पेशी करेंगे आप व्यूअर्स के लिए? 4.5 लाख आपकी डिमांड है? जी जी, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ये वाला जानवर? ये लेकर आ बेटा। इस जानवर के बारे में बताएं। ये पीला अबलग गुलाबी कहते हैं इसको, ऐसे जानवर बहुत कम आते हैं, ये बड़ा नस्ली जानवर है, अभी खीरा आई है, बकरीद पे 2 दांत होएगा, बकरीद तक तैयार हो जाएगा। जी जी, इसका जिंदा 16 मन वजन है, 8 मन इसका घोस है, इसके 7 लाख रुपये मांग रहे हैं। और व्यूअर्स के लिए क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फाइनल? जी रिव्यूस आएंगे उसके लिए करेंगे, हम ऐसी बात नहीं है, कमी पेशी करेंगे। जी जी, बिल्कुल करेंगे। चले, नईम कुरैशी साहब अपना नंबर बता दें व्यूअर्स को। जी 0315 27 35 609। अच्छा, अगर कोई फ़ोन करे ना आपसे मालूमात करे तो आप इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दे देगा उनको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूअर्स, ये थी मलिर 15 नंबर जोकिया मंडी के अपडेट। यहाँ पर हमारी टीम का आने का मकसद ये होता है ताकि आप लोग को जानवर की प्राइस से अपडेट रह सके। अच्छा, आप लोग को बता दूं कि आज मलिर 15 नंबर जोकिया मंडी में यहाँ पर हमें जो रीज़नेबल प्राइस के जो जानवर थे वो ख़रीदो फरोख होते हुए नज़र आए, और जिनकी कीमत ज़्यादा थी वो यहाँ पर वापसी लेके चले गए, लेकिन हमें ख़रीदारी में आज कमी नज़र आई, क्योंकि ख़रीदार भी ख़रीदते हुए आजकल डर रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमार जानवर ख़रीद के लेके चले हैं। तो आज हमने बीमारी से मुतालिक भी आप लोग को बताया कि लिम्पी स्किन डिजीज़ जो है वो भी पंजाब
आपकी साइट पर है और अभी सिंध के साइड से जाते जा रही है, तो ये अभी की अपडेट चलिए। अच्छा, अभी जो ख़रीदारी करेंगे वो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि रमज़ानों में जो जानवर अभी बिक रहे हैं इनकी कीमत तेज़ चल रही है, और रमज़ानों के बाद जो कीमत होगी, क्योंकि बकरीद का सीज़न करीब आता जाएगा, तो जो अभी जानवर 1 लाख का बिक रहा है वो 1.5 लाख का, 2 लाख का, ऐसी कीमतों में बिकेगा। तो जो अभी ख़रीद लेंगे वो फ़ायदे में जाएंगे। जिनके पास जगह है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले से ख़रीद लेंगे, क्योंकि मंडी के जो रेट हैं अभी वो मुनासिब हैं, लेकिन जब सीज़न स्टार्ट होगा तो आप लोग देखिएगा कि रेटों में कितनी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो अभी ये अपडेट चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से आप लोग को हर मंगल को आके एक अपडेट दिया करें, तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। इंशाल्लाह फिर दोबारा नेक्स्ट ट्यूसडे को आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।